राधे राधे, इस नूतन मीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमने कॉटन के धागे से एक कान्हा जी का स्टॉल बनाया है, जो गर्मियों में आप इसे कान्हा जी को उड़ा सकते हो। जैसे कोई ड्रेस नहीं पहनानी हो तो लंगोट के साथ में इसे पहनाकर आप कान्हा जी को गर्मियों में इसे मतलब कि डाल सकते हो। जैसे अक्षय तिथि पर आप इसे उड़ा सकते हो, ठीक है ना। तो ये जाली वाला, इसमें से हवा आएगी और आपको जैसे कुछ और पहनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे भी आप गर्मियों में इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये कॉटन के धागे का है। असल में ये जो डिज़ाइन है, इसकी रिक्वेस्ट भी आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कान्हा जी के स्टॉल में डालकर, जैसे किसी को शॉल बनाना है, स्टॉल बनाना है, मफलर बनाना है, इसी तरीके से लेंथ को बड़ा करना है, बंद करना है, ये सब चीज़ मैंने एक छोटे से सैंपल में बताने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए, हमने इस धागे से इसको बनाया है। तो ये वर्धमान का है, कॉटन थ्रेड है। आप इसे मतलब कि बड़े टॉप वगैरह से बना सकते हैं। मैंने बनाया हुआ है तो बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आती है। तो इसे हम नीटिंग के साथ में बनाने वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपने कान्हा जी के हिसाब से लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। ये मैं 5 और 6 नंबर के हिसाब से, आप इसको आप स्कार्फ की तरह भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि हम इसे अक्षय तिथि के लिए बना रहे हैं। तो आप सिर्फ शो के लिए, जैसे वस्त्र बाकी पूरा चंदन श्रृंगार होता है, तो ज़्यादा कपड़े सिर्फ चड्डी बनाई जाती है कान्हा जी को, पूरा चंदन में लेप दिया जाता है उनको ठंडक देने के लिए। तो ये जाली वाला है, तो इससे तो ऊपर से उड़ा भी लेंगे, कान्हा जी का एक पटके का काम करेगा और ये रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल फंदे इस तरीके से डालने हैं। आप इस धागे को 9 और 10 नंबर दोनों सिलाइयों से बना सकते हैं। मैं इसे 10 नंबर सिलाई से बना रही हूँ। ढीले ढीले फंदे आपको डालने हैं, ये नहीं कि बहुत टाइट। आपको अगर आपको बहुत टाइट डलते हैं तो आप 2 सिलाइयों पे भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितना लूज है, ठीक है ना। इस तरीके से आप फंदे डालेंगे। तो ये देखिए हमने 14 फंदे डाले हैं। चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं ज़्यादा चौड़ा नहीं बना रही, क्योंकि जाली वाला ये हमने शॉल नहीं बनाना, सिर्फ एक पटके के तौर पे इसको लेना है। तो ये 5, 6, 7 नंबर तीनों कान्हा जी को आप इस इतना चौड़ाई जो है उड़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फंदा बुनेंगे, उसके बाद हम बिना बुना लेंगे। 1 और ये 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए, उनको आगे रखना है और जाली डालनी है। 1 और ये 2 फंदों को एक साथ बुनना है। तो ये आप चाहे तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में ले लीजिए, एक ही रखनी है आपको डायरेक्शन, जो आपको ईजी रहे, ठीक है। ऐसे किया, घुमाया और ये बुन के ले आए, ठीक है। फिर उनको आगे किया, 1 और ये 2, ठीक है। 2 फंदे हमने एक साथ इस तरीके से बुनने, तो इससे क्या होगा, एक फंदा कम हो जाता है और एक बढ़ जाता है, क्योंकि हम उनको आगे करते हैं, फिर ये घूम के इस तरीके से चली जाती है, ठीक है ना। फिर 2 का एक कर देंगे, तो इसमें पूरा कान्हा जी का एक शॉल सब, आपको शॉल बनाना है अगर तो आप फंदे बढ़ाकर, बाकी इसमें मैं पूरा पैटर्न दिखाऊंगी आपको। उनको आगे किया, 1 और ये 2 फंदे ऐसे लूज कर लेने सिलाई से, क्योंकि पहली सिलाई है। फिर इसको इस तरीके से 2 एक साथ बना लेने, 4 फंदे रह गए। फिर उनको आगे किया और ये 1 और ये 2 फंदे ऐसे बनाए, और जो लास्ट के 2 फंदे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे। उनको आगे किया और ये उल्टे, ये दोनों तरफ से उल्टे उल्टे ही चलेंगे। आप 4 भी रख सकते हो बड़े कान्हा जी में, बाकी आप 2-3 अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए चौड़ाई काफ़ी आ जाती है जाली वाले डिज़ाइन में, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो इसमें बिना बुना ऐसे फंदा लेंगे हम और पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। ये जाली वाला फंदा देखिए थोड़ा लूज आएगा, ये जाली वाला फंदा, ठीक है ना। तो ये पूरी सिलाई हमने उल्टी बना ली। तो ये काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने पहले भी एक ही मतलब हैं जो उनको कोई दिक्कत होएगी, तो इसलिए मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो मेरे हाथों में थोड़ा सा दिक्कत थी, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है मेरे को स्किन प्रॉब्लम हो जाती है इन दिनों में। तो देखिए 2 सिलाई हो गई है, अब क्या करना है, ये तीसरी सिलाई है। इसमें पहले तो 2 फंदे उल्टे, तो अब हम बिना बुना ले रहे हैं 1 और ये 2, ये 2 फंदे उल्टे हैं। अगर आप कोई शॉल बना रहे हैं या बड़े आदमी के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप 7 फंदे तक रख सकते हैं, ठीक है। ये 2 फंदे हमारे उल्टे, क्योंकि हम छोटा बना रहे हैं, उनको पीछे करेंगे, पूरी सिलाई उल्टी बनेगी, लास्ट के 2 फंदे उल्टे बनेंगे, ये बीच के जो फंदे हमारे 12 फंदे हुए, बीच में 14 फंदे, ये देखिए
यहाँ सॉरी ये 10 फंदे बीच के जो है हमारे उल्टे बनेंगे, सॉरी सीधे बनेंगे, और दोनों तरफ के दो दो फंदे उल्टे। तो ये पूरी सिलाई में इस तरीके से ये देखिए बीच के बना लिए, लास्ट के दो फंदे इन्हें उल्टा बनाएंगे, तो उनको आगे किया दो फंदे उल्टे, और उल्टी सिलाई हमेशा उल्टी ही बनेगी। ठीक है, अभी पूरी ही बना लेती हूँ उल्टी सिलाई। पहला फंदा बिना बना लिया और सारे फंदे मैंने उल्टे बना लिए। तो डिज़ाइन तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको अपने फंदे जो है चौड़ाई लंबाई अपने हिसाब से रखनी है। ठीक है, अगर आप इसी में 2-3 नंबर कानज के लिए बना रहे तो इसके आधे कर देना फंदे आप, 7 मतलब कि देखिए चौड़ाई काफ़ी आ रही है, काफ़ी फैल रहा है, तो ये आपका 12 फंदों का भी अच्छा लगेगा। अगर आप 0 नंबर के लिए बना रहे हैं, 1 नंबर के लिए बना रहे हैं, तो आपका ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये 2-2, 6 फंदों का आप बना लीजिएगा बस। ठीक है ना, क्योंकि खुलता है डिज़ाइन ना। अब देखिए 4 सिलाई हमने बना ली। ठीक है, पहली पर हमने जाली डाली थी, दूसरी उल्टी बनाई थी, तीसरी सीधी बनाई और चौथी उल्टी बनाई, साइड के दोनों फंदे उल्टे उल्टे बनाए। अब हमारी फिर से जाली डलेगी, तो पहला फंदा बिना बुना लिया और फिर से हम यहाँ पर जाली डालेंगे। उनको आगे किया और 2 फंदे फिर उनको आगे किया, फिर 2 का 1 फिर उनको आगे किया, 2 का 1 फिर उनको आगे किया और 2 फंदों का 1 लास्ट के 2 फंदे उल्टे, तो उनको आगे करके दोनों फंदे उल्टे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। बस इसी तरीके से आपको रिपीट करते जाना है। तो ये मैं उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लूँगी। तो 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, हर चौथी सिलाई पे आपकी यहाँ पर जाली डलेगी। ठीक है ना, अभी जाली डाली हमने, ये दूसरी सिलाई हो रही है, जाली डालने वाली पहली सिलाई थी और ये दूसरी सिलाई है, तीसरी पे जाली नहीं डलेगी, चौथी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी और फिर 5वीं सिलाई पे जाली। इस तरीके से हमारा डिज़ाइन चलेगा। तो ये 2 सिलाइयाँ हो गई। ठीक है ना, पहली पे जाली डाली हमने, दूसरी उल्टी और तीसरी ये देखिए दिख रहा है, फिर 2 फंदे उल्टे, पहला फंदा बिना बुना ले रहे हैं, उनको पीछे किया, बीच के सारे फंदे सीधे तीसरी सिलाई में और लास्ट के 2 फंदे ये देखिए जाली हमारी उल्टे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने एक बार आपको जाली डालनी है और एक बार इस तरीके से प्लेन आपको बनाना है। यहाँ पर मतलब एक बार जाली डाली और इस बार देखिए हमने सीधे सीधे बना लिए ना। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो अब आ गया होगा, ये 2 फंदे उल्टे, तो यहाँ पर हमने जाली नहीं डाली और ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो मुझे थोड़ा नीटिंग करने में दिक्कत हो रही है, मेरे हाथों में थोड़े से भी दिक्कत है तो चुभता है थोड़ा सा, तो काफ़ी मैसेज आ गए थे इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना चलो बना देते हैं, कान्हा जी के लिए कुछ बना देते हैं। तो इस तरीके से रिपीट करते जाना है आपको डिज़ाइन। ये देखिए ये जाली आई, अब फिर जाली डलेगी है ना, एक बार बस आपको छोड़ना है और फिर एक बार जाली डालनी। इस तरीके से इसकी एक लेंथ हम पूरी कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर अब जाली डलेगी। तो देखिए इस तरीके का हमारा ये बनके तैयार हो गया। तो आपको जितना भी लेंथ बनाना है, आप शॉल बनाते हैं, स्टॉल बनाते हैं, मफरल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, आप इसी तरीके से बनाएंगे और जब आपका बन जाएगा तो आप इस तरीके से इन फंदों को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जाली डालने के बाद में सीधी सिलाई बना रही है और उल्टी सिलाई पे मैं
इनको बंद कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से दो फंदे एक साथ लेके सिलाई में वापस, और फिर दो फंदे एक साथ लेके, हाथ को आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है फंदे डालते टाइम भी और फंदे बंद करते टाइम भी। ठीक है, इस तरीके से दो का एक करते हुए आपको सारे फंदे बंद कर देने हैं। तो ये हमने कॉटन के धागे से बनाया है, इसलिए थोड़ा सा इसमें लचीलापन कम है। आप ऊन से बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा लचीलापन ज़्यादा आता है। तो मैंने शॉल बनाया हुआ है, तो बहुत पुरानी वीडियो थी। तो इस तरीके से हम सारे फंदे बंद कर देंगे और उसके बाद हम इस पर लटकन लगाएंगे। लास्ट वाले फंदे में से इस तरीके से, तो ये लेंथ वगैरह भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बनाया है। तो इस तरीके से ये देखिए, आपको एक दो बस ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हमारा ये छोटा है। और यहाँ से हम दो दो धागों का हम लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और ये देखिए जाली तो है ही, आपको किसी की इस तरीके से जाली में से ऐसे डालना है। आप क्रोशे की हेल्प से भी डाल सकते हो, और ये जाली है इसमें आप हाथ से भी ऐसे डाल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो धागे हैं हमारे, ये देखिए इस तरीके से इनको इसके अंदर से निकाल देना है। ठीक है, ऐसे आपको दो दो फंदों का बनाना है, फिर इनको एक बराबर आपको काट लेना है। तो इसलिए आप शुरू में जो है बराबर रखिएगा कितने लंबे आपको रखने हैं। तो इस तरीके से मैं दो दो फंदों, मतलब दो दो सॉरी धागों का ही बना रही हूँ, क्योंकि हमारी ये जो जाली है इन्हीं जाली में से मैं इस तरीके से डाल रही हूँ। ऐसे डाला और फिर ये यहाँ से निकाल दिया। तो दोनों तरफ मैं इसी तरीके से लटकन लगा लूँगी। तो ये देखिए हमने फंदन इस तरीके से लटका दिए हैं, रिबन की तैयार है। आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह राधे राधे।